हेलो दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोस, क्योंकि हमारा चैनल जो है मोनेटाइज हो गया, टेक्निकल राम जी चैनल मोनेटाइज हो गया भाई, वी आर सो हैप्पी। और मैं उसी चीज़ को आज मैं मेरी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आपको 500 सब्सक्राइबर और 3000 घंटे पे आपको कैसे आपका चैनल मोनेटाइज करना है, और क्या क्या प्रोसेस होता है वो वन बाय वन करके दिखाऊंगा, और कैसे उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को हम एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। देन उसके बाद में जो सेकंड कैटेगरी होती है 1000 सब्सक्राइबर एंड 4000 पब्लिक वॉच आवर, भाई बहुत मेहनत लगती है। मुझे खुद को कंप्लीट करने के लिए 10 महीने लग गए मेरे चैनल को मोनेटाइज करने के। तो वी आर वेरी हैप्पी टुडे कि हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो थैंक्स। अब थोड़े बहुत पैसे तो मैं भी कमा लूँगा, क्योंकि मैं भी एक न्यूअर था और आप लोगों का सपोर्ट तो मुझे बहुत मिला। थैंक्स फॉर वॉचिंग और वीडियोज, जितने भी मैंने टेक्निकल वीडियोस बनाए हैं आप लोगों के नॉलेज के लिए या फिर मैंने शेयर किया हुआ है, तो उससे जिन लोगों का भी भला हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों ने भी मुझे, खासकर मेरे सब्सक्राइबरों का बहुत बहुत थैंक यू भाई, दिल से थैंक यू। आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया, बहुत प्यार दिया जो मैं यहाँ पहुँचाऊँ, और ऐसे ही उम्मीद करता हूँ कि जो मैं आज 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट किया हूँ, हो सकता है कि मैं अगले 3-4 महीने में ये मेरे 10,000 सब्सक्राइबर हो जाए। भाई मुझे अभी मिलियन की टेंशन नहीं है, मुझे एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करो, और जो भी अगर आपको लगता है मेरी वीडियो देख के, अगर लगता है कि आप मुझे इस टाइप की भी वीडियो बनानी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तो मैं क्या करूँगा, मैं ट्राई करूँगा कि मुझे उससे भी रिलेटेड वीडियो मिले ताकि मैं आपको बता सकूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर टेक्निकल राम जी चैनल। और जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है तो क्या क्या सेटिंग आती है भाई, और कैसे किस वीडियो पे अर्निंग होती है नहीं होती है, या कौन सी वीडियो एलिजिबल हो जाती है अर्निंग करने के लिए, वो भी प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो मेरी वीडियो में बने रहें, और आपको सबसे पहले ओपन करना है अपने चैनल का होम पेज भाई। तो जैसे ही आप अपने चैनल के होम पेज पे जाएंगे तो आपको जो डैशबोर्ड का व्यू होगा वो कुछ इस तरह से नज़र आए। जैसे कि मैंने बताया कि मैं पहले 500 सब्सक्राइबर को कैसे हम मोनेटाइजेशन प्रोसेस फॉलो करेंगे, देन उसके बाद में 1000 मोनेटाइजेशन पॉलिसी को कैसे फॉलो करेंगे तो उसके बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप देखो 689 सब्सक्राइबर मेरे पास हैं, अराउंड 16.5K मुझे मंथली, यानी कि 28 डेज का डेटा आता, व्यू होता है तकरीबन 526 आवर्स। तो ये सारी प्रोसेस कैसे फॉलो करना है, क्या होता है, क्यों, कब, कैसे, तो ये रहा मेरा एनालाइज पेज। देखो 6527 और तकरीबन मुझे इस बीच में 754, और एवरी 48 आवर्स में अराउंड मुझे, यानी कि आप देख सकते हो मेरा 28 दिन का ये चार्ट है जहाँ पे दिख रहा है कि 74 सब्सक्राइबर हैं। तो यहाँ से आप अपने एक एक वीडियो को बहुत ही बारीकी से स्क्रॉल डाउन करके आप व्यू देख सकते हो कि कौन सी वीडियो आपके टॉप पे चल रही है, कौन सी नीचे चल रही है, या एवरेज या परसेंटेज उसके कितने हैं जिसके व्यू आ रहे हैं। तो आपने जैसा कि देख लिया एनालाइज पेज पे जो होता है पूरा, आपके जो भी चैनल पे व्यू आते हैं उसके अकॉर्डिंग टू आप व्यू देख सकते हैं। तो नीचे ढेर सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कमेंट है, सेक्शन है, कॉपीराइट। तो आपको क्या करना है, अपने चैनल की सर्विस को अप्लाई करना है, तो आपको अर्न सेक्शन पे क्लिक करना है। अर्न पे अगर आप एलिजिबल हो गए हैं तो आपको जो डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरह से दिखता है, सुपर शॉपिंग एंड देन नीचे वाले कॉलम में आपको दिख रहा है अप्लाई का जो की है वो हाईलाइट हो गया है। तो मेरा क्या हुआ है, मुझे पहले 500 जो कैटेगरी है वो मैंने कंप्लीट कर ली, इसलिए मुझे वहाँ पे जो है दिखा रहा है कि आप उसको अप्लाई कर सकते हो, पर 1000 की कैटेगरी देखो मेरे पास काफ़ी पेंडिंग है। तो जैसे ही मैं ये कंप्लीट करूँगा तो यहाँ पे मुझे ये जो सेम अप्लाई का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, यही ऑप्शन वहाँ पे भी दिखने लगता है। तो ये दोनों प्रोसेस से अलग अलग गुजरना पड़ता है। तो पहले हम जो 500 की कैटेगरीज है उसको हम अप्लाई करेंगे, एंड क्या क्या YouTube के साइड से आपको उसमें पॉलिसीज मिलती है, आपको क्या अपग्रेड करना है, क्या नहीं करना है, या फिर किस टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, क्योंकि भाई YouTube एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे ढेर सारी कैटेगरी काम करती है, जैसे कम्युनिटी की, कॉपीराइट्स की, या और भी ऐसे इन्वायरमेंटल, या फिर ऐसे ग्लोबली और भी ढेर सारी प्राइवेसी पॉलिसी है, तो वो सब फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे जो टोटल दिखा रहा है 3 स्टेप, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। स्टेप 1 में बोल रहा है कि जो ये रिव्यू है ये बेस टर्म है, यानी कि रीड दिस टर्म केयरफुली एज द अप्लाई ऑफ योर पार्टिसिपेंट इन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम। वैसे दूसरा है साइन ऑफ, जो आपका पता होगा कि अगर आप YouTube चैनल बनाना चाहते हैं, चलाना चाहते हैं, तो आपके उस YouTube चैनल को आपको AdSense अकाउंट से ऐड करना पड़ता है। तो ये भी वेरी सिंपल है। तो दोस्तों
जिस अकाउंट से आपका YouTube चैनल चल रहा है उसी ईमेल आईडी को यूज करके आप अपना एडसेंस अकाउंट बना सकते हो। जैसे जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हो वैसे ही एडसेंस अकाउंट भी क्रिएट होता है, यानी उसी आईडी से आप प्रोसेस करोगे, उसमें लॉगिन हो जाएगा और देन वहाँ पे कुछ स्टेप्स होते हैं जिसको फॉलो करना है। तो चलो हम पहला स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करते हैं, जैसे कि स्टार्ट्स के ऊपर क्लिक कर दिए तो यहाँ पे जो अंडरस्टैंड दी टर्म्स, यानी कि जो टर्म्स है उसको क्या क्या समझना है वो आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 स्टेप्स में दिया हुआ है। जब आप इसको पूरी तरह से पढ़ लेंगे, यानी कि क्या टर्म्स है, कैसे आपको काम करना है, कैसे नहीं करना है, किस चीज़ को अगर आप कर देते हो तो आपके चैनल्स को प्रॉब्लम आ सकती है, या क्या चीज़ की जिम्मेदारी आप खुद लेते हो, इस जो YouTube है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, रेवेन्यू का जो कैलकुलेशन है वो कैसे होता है, तो इस तरह से जितनी भी सारी स्टेप्स हैं या फिर उसको फॉलो करना है, या जो भी कैटेगरी आती है, या फिर हम YouTube के साथ जो पार्टनर प्रोग्राम का एग्रीमेंट बनाते हैं उसके अंदर में क्या क्या आता है वो सारी चीज़ें, एंड फोर्थ में जो ऑप्शन दिया है कि हाउ वी पे यू, यानी कि YouTube कैसे आपको पेमेंट पे करेगा जब आप उस कैटेगरी को कंप्लीट कर जाएंगे, देन पेमेंट अकाउंट रिक्वायरमेंट, यानी कि जो पेमेंट आएगा वो आपके अकाउंट में कैसे जाएगा, फिर पेमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे YouTube प्रोसेस करती है, किस पेमेंट को कब रिलीज करती है, और किस कंडीशन में या क्या मिनिमम विड्रॉल ऑप्शन है जहां से आप विड्रॉल करके पेमेंट ले सकते हो। देन उसके बाद में उसके अंदर कैटेगराइज कर दिया है सी, जैसे टैक्सेस, अगर आप जिस भी कंट्री को, यानी कि यूट्यूबर्स भाई किसी भी कंट्री, तो YouTube तो ऑलमोस्ट वर्ल्ड वाइड है, तो आप जिस कंट्री में उसकी लाइबिलिटी क्या है, क्या टैक्सेज आ रहे हैं, या फिर वहाँ पर क्या चेंजेस टू द टर्म्स क्या है जो YouTube के जिसे हमें फॉलो करने हैं, तो ये सारी चीज़ों को भाई क्या होगा ना, आपको पढ़ना है। अगर आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे तो जनरली होता है क्या कि आपकी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, लेकिन लोगों को इतनी जल्दी रहती है कि यार मैंने ये किया था तो मुझे पता ही नहीं चला, ये किया तो आया नहीं, मेरा पेमेंट रुक गया, मेरा वॉच हो गया, मेरा ये हो गया, मुझे ये सेंक्शन लग गया, या फिर कुछ अनहैपन जैसा, यानी कुछ हो गया, आपके अनहोनी हो गई जिसे आपके नहीं पता था। तो ये टर्म्स कंडीशन जो है काफ़ी बेसिक प्लान है, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि YouTube क्या कहना चाहता है। और फाइनली भाई ये जो YouTube की टर्म्स कंडीशन है वो आपको बता दिया, तो YouTube उसके बाद में खुद से एक आपसे अप्रूवल कॉपी लेता है कि आई एक्सेप्ट द बेस टर्म, जो बेस टर्म था YouTube का क्या क्या कैसे करना है उसको आप एक्सेप्ट करो, एंड एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू। तो आप जैसे ही उसके ऊपर आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो अभी जो दिख रहा था ना कि स्टार्टेड, वहाँ पे दिख रहा है डन, तो ये जो बेस वाला प्रोफार्मा है ये हो गया डन। ये डन होते ही आपका जो नेक्स्ट स्टेप यानी सेकेंड वाला स्टेप रहता है साइन अप फॉर एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो गूगल की जितनी भी चीज़ें चलती है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे कोई एडवर्ट्स हो, या फिर एडवर्टाइजिंग चलानी हो, या फिर कंपनी के दूसरे प्रोसेस हो, वो आपको एक एडसेंस अकाउंट बनाना पड़ता है जिसके थ्रू ही वो पेमेंट का इनकमिंग एंड आउटगोइंग होता है, यानी कि पेमेंट का लेने देने का जो काम होता है ना गूगल, वो एडसेंस के थ्रू करता है। उसकी फ्रेंचाइजी तो बहुत सारी है जो काम कर रही है, पर आपको एडसेंस। तो अब दूसरा जो स्टेप्स है उसको, उसमें क्या करना है आपको कि हमें यहाँ पर स्टार्ट प्रोसेस फॉलो करके हमें उस Google AdSense अकाउंट को अपने ऐड करना है जिससे हमें काम करना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे स्टार्ट, उसके बाद यहाँ पे ये 3 ऑप्शन दिखाता है, जैसे यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग AdSense अकाउंट, या आई डोंट हैव AdSense अकाउंट, या आई डोंट नो। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली अगर अकाउंट्स को हमें जो मोनेटाइज करना है तो हम जो सिलेक्शन करते हैं वो यस आई हैव एन एग्जिस्टिंग AdSense अकाउंट, तो मेरे पास में है तो मैं वही ऑप्शन लूँगा और उसके थ्रू ही आगे जाऊँगा। बट अगर आपके पास नहीं है या फिर आप नहीं जानते हो तो आप वो भी ऑप्शन सेलेक्ट करके आगे जा सकते हो, बाद में फिर वापस से आप सेम प्रोसेस फॉलो करके आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर सकते हो। तो मैं अभी सेलेक्ट करूँगा यस आई हैव AdSense अकाउंट, देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करूँगा। तो जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा ये मुझे मेरे AdSense वाले अकाउंट पर लेके जाएगी, जहाँ पर वो पूछेगा कि कौन से आई डी से आपको लॉग इन करना है। तो मेरी जो YouTube वीडियो यानी YouTube चैनल के जो ईमेल आईडी है वो और AdSense अकाउंट दोनों मैंने सेम आईडी से रखी, ताकि फ्यूचर में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो और मैं प्रॉपरली टाइम पे उसको मॉनिटर कर सकूं और देख सकूं। तो जैसे ही हमारा अकाउंट पेज लॉगिन हो जाएगा तो वहां पे एक अकाउंट की डिटेल आ जाती है, जैसे कि आपका जो पब्लिशर प्रोडक्ट्स है वो क्या है, जैसे कि AdSense फॉर यूट्यूब एंड पब्लिशर आईडी क्या है, कंट्री क्या है, रीजन क्या है, टाइम जोन क्या है, अकाउंट टाइप्स क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका अकाउंट टाइप क्या है, उसमें एड्रेस क्या है, नेम क्या है, ये तो ये सारी चीज़ें आपको
कम्प्लीटली फिलअप करनी पड़ती है ताकि जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर जब भी आप पेमेंट विड्रॉल के लिए पूछते हो तो उसमें आपको काफ़ी क्लियरेंस मिलती है। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे वहाँ पे आपको एक वेरिफिकेशन कोड जाता है जो मोबाइल नंबर है आपका रजिस्टर्ड रहता है उस पर्टिकुलर आईडी से। तो जैसे आपको ओटीपी आएगा आप यहाँ पे ओटीपी डाल के उसको वेरीफाई कर देंगे एंड देन उसके बाद में आप सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो इसके साथ क्या होगा कि आपका जो वेरिफिकेशन है वो सबमिट हो जाएगा और यहाँ पे एक छोटा पॉपअप आ जाता है कि वी आर रिव्यूइंग योर इन्फॉर्मेशन, यानी आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यूट्यूब के जो बैकएंड टीम बैठती है जो भी उनका हेडक्वार्टर डिवीजन है वहाँ पे वो बैकएंड टीम रिव्यू करती है पूरे पॉलिसीज़ को कि ये जो यूट्यूबर ने अभी मोनेटाइज के लिए एप्लीकेशन डाला है यानी कि किया है तो उसका क्या है, वो लीगल है इनलीगल है, वो सारी चीज़ प्रोसेस करते हैं और इस सारे प्रोसेस को कंप्लीट होने में अराउंड 2 to 3 weeks लगता है। तो एक देख लो दूसरे वाले ऑप्शन पे अभी दिखा रहा है कि मेरा जो स्टेज है वो इन प्रोग्रेस है, 2 to 3 weeks का यहाँ पे टाइम दिखाता है। बट मेरे ख्याल से जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ था यानी कि इस प्रोसेस से मैं आगे गया था तो मुझे एक 12 घंटे बाद जब मैंने चेक किया था तो ये सारी पॉलिसी जो है वो चेक हो गई थी और थर्ड वाले स्टेप्स के लिए हम एलिजिबल हो गए। तो इस तरह से वो 1-1 step काउंट करना है। जैसे ही आपका सेकंड क्लियर होगा थर्ड में भी आपको नेक्स्ट और एक्सेप्ट कर देना है और आपकी वो पॉलिसी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसके बाद ये तो हो गया कि आप 500 जो आपके पास सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं उसके लिए हमने ये जो पॉलिसी सेम फॉलो की है, यही सेम पॉलिसी हमें जब हमारे पास में 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे एंड 4000 पब्लिक वॉच आवर हो जाएगा तो भी हमें यही फॉलो करना है। तो अभी हम नेक्स्ट उसमें मूव करते हैं कि जब 4000 हो जाएंगे तो हम उसको कैसे फॉलो करेंगे, किस तरह से करना है, किस तरह से नहीं करना है। तो चलो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि ये रहा होम पेज पे, आप देख लो हमें एक नोटिफिकेशन भी दिख रहा है कि जल्दी जल्द आपका जो चैनल है वो कॉन्ग्रेचुलेशन है कि यू हैव बीन एक्सेप्टेड द इन्फोरेन यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम, नाउ यू आर चैनल एंड इज कनेक्टेड एंड 6 अप्रैल यानी कि 6 अप्रैल 2024 के आसपास मुझे डिटेल आ गई। तो अब हम जो प्रोसेस करेंगे वो 1000 सब्सक्राइबर प्लस 4000 पब्लिक वॉच आवर कंप्लीट हुआ है। तो दूसरा जो मैंने स्टेप मेरा काउंट हुआ है मेरा 1000, आप देख लो 1015 सब्सक्राइबर है तो मैं 1015 सब्सक्राइबर के ऊपर अभी मैं जो है मेरे इस चैनल को मोनेटाइज करूँगा। दूसरा मोनेटाइजेशन आपको दिखाऊंगा कि उसमें क्या क्या टर्म्स कंडीशन एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि ये वाला ना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जब आप 500 सब्सक्राइबर के साथ में मोनेटाइज करते हो तो आपके अर्निंग सोर्स बहुत कम रहते हैं, बट अगर आप 1000 सब्सक्राइबर के साथ में अगर जब आप मोनेटाइज करते हो चैनल को तो आपके जो अर्निंग की प्रोसेस यानी कि जो ऐड के ऊपर जो आपको पेमेंट मिलता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आपको ये जो मोनेटाइजेशन पॉलिसी है इसको भरनी पड़ेगी। तो गेट स्टार्टेड पे के ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी क्या होगा कि इसकी एक न्यू टर्म्स पॉलिसी खुल जाएगी। तो जैसे यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि अभी आपको वॉच पेज ऐड यानी कि अर्न फ्रॉम ऐड एंड यूट्यूब प्रीमियम एंड वॉच पेज, तो अलग अलग कैटेगरी होती है यूट्यूब की जहाँ से आपको इनकम सोर्स जनरेट हो सकती है। तो आपको ये वाली जो पॉलिसी है इसको फॉलो करनी पड़ेगी और आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि उसके टर्म्स कंडीशन में आप बैठ सको यूट्यूब के और एक्सेप्ट। तो गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद में जो विंडो यहाँ पे आएगा कि अर्न फ्रॉम एंड यूट्यूब प्रीमियम एंड वॉच पेज यू कैन, तो इसको टर्न ऑन करना है क्या, तो हम लोग बोलेंगे कि यस भाई ऑफकोर्स। कोई भी यूट्यूबर अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाता है तो उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है कि वो यूट्यूब से अर्न कर सके। तो यहाँ पे आप जैसे ही टर्न ऑन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे वेरिएशंस आ जाते हैं जैसे ABC करके, जैसे देख लीजिए एप्लीकेबिलिटी क्या है, कंटेंट विद पेज क्या है यानी यूट्यूब वीडियो प्लेयर्स क्या है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू वो क्या है, जैसे कि दिया है कि YouTube will pay you 55% of net revenue from ad displayed on your standard by the YouTube Premium, यानी कि YouTube जो आपके वीडियो के ऊपर ऐड चलाता है उसका लगभग 55% का रेवेन्यू है वो जो यूट्यूबर्स को देता है और बाकी के जो बचे उसके प्लेटफॉर्म फीस हो गए, उसके इंटरनल फीस हो गए, ये सारी चीज़ वगैरह वगैरह। बट आप बहुत ध्यान से पढ़ सकते हो जिससे कि आपको पता चल जाएगा क्या आपको करना है क्या नहीं करना है। और यहाँ पे जो दिया है कि यूट्यूब को जो रिप्रेजेंट करना है उसके लिए वो जो एज की बाउंडेशन दिया हुआ है 13 and 18 वो भी आपको वेरीफाई करना होगा। तो जैसे ही उस प्रोसेस से आगे बढ़ेंगे यहाँ पे आ जाता है प्रोसेस योर ऐड डिफॉल्ट। ये सारे प्रोसेस हम जैसे ही कंप्लीट करते हैं तो कंप्लीट होते ही क्या होगा कि जैसे हमारा चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसी को अप्लाई करेगा
तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी वीडियो मनी यानी कि जब से मैंने मेरा YouTube चैनल स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक जितनी भी मेरी वीडियो है सबके वीडियो के सामने एक डॉलर का सिंबल बन जाएगा, जिससे कि मेरे वो सारे वीडियोस मोनेटाइज जाएंगे, यानी कि उसके बाद से जो रन हो गए कोई भी छोटा बड़ा ऐड चलेगा तो मुझे उस ऐड का जो 55% यानी कि यूट्यूब ने जो मुझे रिकमेंड किया है 55% उसका रेवेन्यू मुझे मिलेगा। तो इस तरह से ये जो पेज खुल गया ऑल ऑफ माय एग्जिस्टिंग वीडियो यानी कि मेरी जितनी वीडियो उन सबके लिए मोनेटाइज ऑल करो, ना कि भाई आई विल चूज कि मेरे पर्टिकुलर किसी एक या दो वीडियो के लिए करो। तो मैं जो यहाँ पे कर रहा हूँ वो मेरे पूरे वीडियोस के लिए कर रहा हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे मोनेटाइज ऑल करेंगे तो मेरे सारे वीडियोस जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे फॉर पेमेंट अर्निंग फ्रॉम यूट्यूब। तो यूट्यूब की पॉलिसी इतनी सारी है कि अगर आप उस पर केयरफुली अगर मॉनिटर नहीं करते हैं या फिर कुछ भी आप ऐसा मतलब अफेंस करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। खास करके अगर आपके चैनल पे अगर कम्युनिटी स्ट्राइक लग जाए तो भी प्रॉब्लम होती है, या फिर कॉपीराइट्स का या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे लोग दूसरों के कंटेंट चुरा के या दूसरों के वीडियो को कॉपी करके बनाते हैं तो उसमें भी भाई बहुत प्रॉब्लम होती है। कभी कभी तो कोई खुद से वहाँ पे एक SMB या SBM प्रोग्राम चलता है उसके थ्रू भी वो लोग चैनल को जो है ब्लॉक करा देते हैं। तो यहाँ पे ये जो मोनेटाइज पॉलिसी जैसे ऑन हो जाती है तो वो यहाँ पे कुछ रूल्स और नियम दिया हुआ है, आप चाहिए तो उसको पढ़ के आप देख सकते हैं कि क्या क्या पॉलिसी है जो करना है या नहीं करना है। तो ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे जो मेरी सारी वीडियोस हैं, ये देखो ये मेरी जितनी भी अपलोडेड वीडियोज हैं, चाहे मुझे उस पर 1 view हो या फिर 3000 हो या 5000, 50000, 4000, 200, 800, whatever view on my YouTube चैनल पेज, तो सारे के सारे मेरे वीडियोस पे जो है ये जो डॉलर का सिंबल दिख रहा है वो ऑन हो गया, वो भी ग्रीन मोड पे। तो यानी कि अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा या फिर न्यू वीडियो जो भी अपलोड करूंगा या फिर मेरी एग्जिस्टिंग जितनी भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस है उन यूट्यूब वीडियोस पे मुझे अर्निंग, यानी कि जैसे ही कोई वीडियो वॉच करेगा तो जो भी उसके ऊपर यूट्यूब एडवर्टाइज करेगा तो उस एडवर्टाइज का मुझे कुछ ना कुछ रेवेन्यू मेरे अकाउंट में आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे इस YouTube मोनेटाइजेशन वीडियो में आपको पता चला होगा कि कैसे अगर आपके पास भी YouTube चैनल है या फिर आप भी बनाना चाहते हो या फिर आपके चैनल पे जो वॉच आवर और सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं तो कैसे आप कंप्लीट करना है आपका मोनेटाइजेशन पॉलिसी वो आप कर सकते हो खुद से, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं। बस इसके लिए ये है कि थोड़ी बहुत आपको इंग्लिश आनी चाहिए आप पढ़ सको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मोर वीडियोज़। तो इस तरह से ये सारे फंक्शन 1 by 1 करके हैं, जिसमें आगे के इसमें मेरा प्रोसेस मुझे पता चलेगा कि मुझे क्या क्या पॉलिसी फॉलो करें। हे दोस्तों, तो आपने हमारी वीडियो में देखा होगा कि मैंने कैसे 3000 कंप्लीट होने पे मेरा चैनल को मोनेटाइज किया, देन 4000 आवर कंप्लीट होने के बाद कैसे मोनेटाइज किया। तो इस तरह से आप भी अपने चैनल को मोनेटाइज करना चाहते हो तो आप करा सकते हो, बट उसके लिए भाई फोकस और विजन होना चाहिए। चैनल चाहे जो भी हो यूट्यूब पे, बट आपका कंटेंट जो है ना आपका बना रहना चाहिए कि आप इंटरेस्टेड हो। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो ना भाई तो कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। तो दूसरों की छोड़ दो, दूसरे क्या बोलते हैं, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप भी आओ, वीडियो बनाओ और YouTube से पैसे कमाओ। थैंक यू। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।